सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पार्ट 10 पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। लिसन इट वेरी केयरफुली एंड आल्सो वॉच इट। ओके, पाठ परिचय क्या है? वर्षा का मौसम आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। जब वर्षा का मौसम आता है तो सबके चेहरे क्या होता है, खिल जाते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है, और चारों ओर क्या होती है, हरियाली छा जाती है। वर्षा के पानी में नहाने का कितना आनंद आता है ना जब हम वर्षा के पानी में नहाते हैं। वर्षा क्या होती है, बारिश। ठीक है, ऐसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि वर्षा का पानी कहाँ से आता है? आओ पढ़े और समझे। क्या आपने कभी सोचा कि जो वर्षा है उसमें, वो वर्षा में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, अब आप सब बच्चे रेडी हो गए होंगे चैप्टर को रीड करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। रविवार का दिन था। किसका दिन था? रविवार का। पाठशाला की छुट्टी थी। पाठशाला क्या होता है, विद्यालय, स्कूल। स्कूल की छुट्टी थी। राहुल बगीचे में खेल रहा था। ठीक है, तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। और आकाश में क्या हुआ, काले काले बादल छा गए। थोड़ी देर में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी, और फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बूंदें सी पड़ने लगी। राहुल घर की ओर भागा, पर वह भीग गया। जब वो घर की ओर भागा था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, भीग गया। कपड़े बदलकर राहुल पिताजी से बोला, पिताजी आकाश में इतना पानी कहाँ से आता है? फिर उसने कपड़े चेंज किए और बोला अपने फादर को कि पिताजी आकाश में इतना सारा पानी कहाँ से आता है? पिताजी बोले, बादलों से। क्या बोले कि बादलों से आता है, और बादलों में पानी कहाँ से आता है? राहुल ने उत्सुक होकर पूछा, मतलब उसने खुश होकर पूछा कि क्या है, मतलब रेचिकित होकर बोला कि इतना सारा बादलों में फिर भी पानी कहाँ से आता है? पिताजी समझाते हुए बोले, तुम जानते हो कि तालाबों, नदियों और समुद्र में पानी होता है। ठीक है, कि तुमने जाना है कभी कि तालाबों में, नदियों में और समुद्र में क्या होता है, पानी होता है। सूरज की गर्मी से यह पानी भाप में बदलता है। जब सूरज की गर्मी होती है तो उसे जो ये पानी है वो क्या होगा, भाप में बदल जाएगा। यही भाप आकाश में बादल बन जाती है, और जब ये भाप होती है वो आकाश में जाकर, आसमान में जाकर क्या होती है, भाप बन जाती है। राहुल फिर बोला, पर पिताजी भाप बादल कैसे बनती है? फिर राहुल ने दोबारा पूछा कि ये भाप बादल कैसे बन जाती है। ठीक है, पिताजी बोले, बेटा भाप हवा से हल्की होती है। जो भाप होती है वो हवा से क्या होती है, हल्की होती है। इसी कारण यह ऊपर उठती है, और इसी कारण से क्या होता है, ऊपर उठती है। ऊपर ठंड होती है, ठंड के कारण भाप पानी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। बादल ऐसी छोटी छोटी बूंदों का समूह होता है। जब ऊपर ठंड होगी तो जो ये भाप है वो क्या होगा, पानी की छोटे छोटे बूंदों का रूप धारण कर लेती है या बदल लेती है। बादल ऐसी ही छोटी छोटी बूंदों का क्या होती है, समूह होती है, ग्रुप होता है। ठीक है, पिताजी राहुल को रसोई घर में ले गए। कहाँ ले गए, रसोई घर में ले गए। उन्होंने एक केतले में पानी गर्म किया। कहाँ पे किया, केतले में पानी गर्म किया। केतले के मुंह से भाप निकलने लगी। कहाँ से भाप निकलने लगी, उसके मुंह से भाप निकलने लगी। पिताजी एक थाली केतले के मुंह के पास लाए, और उन्होंने क्या किया, एक थाली को केतले के पास ले गए। भाप थाली पर लगने लगी। जो भाप थी केतली की वो कहाँ लगने लगी, थाली पर लगने लगी। कुछ देर बाद थाली से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकने लगी, और फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद जो थाली पर बूंदें थी वो क्या होने लगी, टपकने लगी। यह देखकर राहुल सब समझ गया, और वह बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि थाली से छोटी छोटी बूंदें टपक रही हैं, तो उसने ये देखकर क्या हुआ, वो बहुत ही खुश हुआ, और इसके बारे में समझ में गया कि भाप कैसे बादल का रूप धारण कर लेती है। ओके, आई होप आपको ये पार्ट 10 वर्षा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड रिवाइज करना। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।